परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी भागवत बताने जा रहे हैं और सूत गोस्वामी सनकाद ऋषियों को भागवत बताने जा रहे हैं। ऋषि तो 88,000 कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए नैमिषारण्य विष्णु क्षेत्र में दीर्घ सत्र तक यज्ञ का आयोजन करने के लिए आए थे। यज्ञ मुख्य उनकी वृत्ति थी और गौण वृत्ति थी शाम को हरि कथा सुनना। ये यज्ञ का नियम है, सुबह यज्ञ होगा शाम को कथा हो। तो कथा के लिए जब सूत गोस्वामी को कहा कि आप कथा सुनाइए, तो सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का मन में संकल्प किया और अब जब कथा भागवत सुनाने जा रहे हैं तो उस भागवत की महिमा बताने जा रहे हैं। पहले आज के श्लोक में उस भागवत की अपनी परंपरा का वर्णन कर रहे हैं कि ये भागवत देवऋषि की नारद की प्रेरणा से व्यास देव ने अपने आश्रम जो बद्रिक आश्रम में संप्रशायन नाम का आश्रम में वहाँ सरस्वती के तट पे उनके हृदय में भागवत सात्विक संहिता के रूप में प्रकट हुई और फिर उन्होंने इस भागवत को अपने योग्य शिष्य और पुत्र सुखदेव को सिखाया और मैं जो अब आपके सामने उगर सर्वा बहुत तीव्रता से श्रवण करने वाला है। ये श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण में अच्छी तरह से श्रवण करोगे तो भाद्रपद के महीने में आपके जीवन में भद्र का मतलब शुभ होगा, कृष्ण का अवतार होगा। श्रावण में श्रवण करो, भाद्र में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करो, तो श्रवण से भगवान की प्राप्ति होती है। उग्र सर्वा का मतलब बहुत तीव्र गति से, जिसके श्रवण में बहुत रुचि हो। वो कहता है कि मैं सुखदेव महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे मैं उससे सुन के आया और अब मैं आपको भागवत कथा सुनाने जा रहा हूं। तो अब सुखदेव ने कहां से सीखी थी ये अगर कोई पूछे तो उसका उत्तर ये है। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। ये उग्र सर्वसूत कह रहा है, तदिदं ग्रहायामास सुतं आत्मवतां वरम् सर्ववेदैतः सारं सारं समुद्धृतम् तदिदं ग्रहायामास सुतं आत्मवतां वरम् सर्ववेदैतः सारं सारं समुद्धृतम् तदिदं ग्रहायामास तदिदं ग्रहायामास सुतं आत्मवतां वरम् सर्ववेदैतः सारां सारं सारं समुद्धृतम्। तदिदं ग्रहायामास सुतं आत्मवतां वरम् सर्ववेदैतः सानां सारं सारं समुद्धृतम् तदिदं ग्रहायामास सर्ववेदैतः सानां
बिना वस्त्र के, वात वेश जिसका था, मैं हवाएं जिसका वेश थी, तो स्त्री को कोई विकार नहीं आया मन में। लेकिन पीछे व्यासदेव जा रहा था ग्रस्त धोती पहने हुए, तो उन्होंने लज्जा से अपना अंग ढक दिया। व्यास को आश्चर्य भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपके पुत्र को स्त्री पुरुष के भेद का भी पता नहीं, उसका स्तर इतना ऊपर का है। तो व्यासदेव ने फिर अपने शिष्यों को कुछ एक दो श्लोक भागवत के सिखाए कि जहां सुखदेव ब्रह्म के ध्यान में बैठा होता है वहां जाकर आप इन श्लोकों का उच्चारण करो, जब पुष्प लेने जाते हो या संध्या लेने जाते हो। तो एक दिन बहुत सुंदर श्लोक जो वेणु गीत का है वो उच्चारण कर रहे थे, ब्रहा पीड़म नटवर बहु करणी करणी कारकम। ये श्लोक पढ़ा तो सुखदेव महाराज ने कहा इतना सुंदर कौन है, वो ब्रह्म के सुख को छोड़ के उनके पीछे भागे, कहा कि किसका वर्णन कर रहे हो। सुखदेव हमें मालूम नहीं है, हमारे गुरु जी को मालूम। फिर सुखदेव ने कहा कोई सुंदर हो, लेकिन सुंदर हो सदाचारी हो कि नहीं हो पता नहीं, सुंदर तो वैसे लोग सदाचारी नहीं होते। फिर संध्या समाधि में बैठ गए, एक और श्लोक पढ़ते हुए जब उनके शिष्य वहां से गुजरे, वो श्लोक चौथे स्कंद के नहीं तीसरे स्कंद के ही दूसरे तीसरे अध्याय का है। ये श्लोक उद्धव के मुख से निकला है, आई बकी कालकूटम, जो बकासुर की बहन पूतना अपने स्तंभ के ऊपर कालकूट विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई, कितना बड़ा परम दयालु है कृष्ण, उसको धात्री गति देगी, मां का स्थान दे दिया। अब तो सुखदेव ने कहा केवल सुंदर नहीं है बड़ा दयालु भी है। उनसे पूछा ये किसका वर्णन है, बोला गुरु जी। और वहां से सुखदेव व्यास देव के पास आए और 18,000 श्लोक भागवत का को ग्रहण किया। तो यहां लिखा है ग्रहायाम आस, उस भागवत को जो भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोक में दी थी और कहा था ब्रह्मा जी ने व्यास को इसका विपुलीकरण करो, इसका विस्तार करो, और फिर कहा कि जो इसका प्रचार करे उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सुनने वालों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जगाए। और फिर नारद जी ने व्यास देव को इसी भागवत का ध्यान में बैठकर प्रकट करने का प्रेरणा दी और व्यास देव ने वो सुखदेव को ग्रहण कराया। सुख तो सुखदेव का कौन सा ऐसी विशेषता थी कि उसी को ग्रहण कराया। नवे स्कंद में सुखदेव कहते हैं जैमनी आदि को न देकर भागवत मेरे को दिया। ये श्लोक संभवत हमारे आचार्य जीव गोस्वामी आदमी ने इस श्लोक के तात्पर्य में दिया है कि सुखदेव कहते हैं कि जैमनी पायल आदि को भागवत न देकर मुझे दिया। क्यों दिया मुझे, क्योंकि ये है सुखदेव का गुण। और वो क्या है, आत्मवताम वरम। आत्मवताम वरम, वरम का मतलब श्रेष्ठ, वरम का मतलब सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्तम। और आत्मवतान, वैसे आत्मवान भी कहीं कहते हैं, जैसे किसी के पास धन है उसको धनवान कहेंगे, किसी के पास विद्या है तो उसको विद्यावान कहेंगे। ऐसे जिसने आत्म साक्षात्कार किया वो आत्मवतान हो गया, जिसके पास भगवान है वो भाग्यवान। धनवान और भाग्यवान अलग होता है, धनवान भाग्यवान नहीं हो सकता, धनवान तो धनवान ही है, भाग्यवान वो है जिसके गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड प्रमिते भाग्यवान जीव। भाग्यवान वो है जिसके ऊपर कृष्ण और गुरु ने कृपा की है और जिसको भक्ति का बीज मिला है वही भाग्यवान है। तो ये आत्मवताम वरम, इसका मतलब जो आत्मा राम है उनमें सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा राम में श्रेष्ठ मतलब आत्मा अपनी में रमण करने वाला। वैसे वास्तव में आत्मा राम है, आत्मा यस्य राधा स आत्मा राम, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, जिनकी आत्मा राधा है जिसके साथ रमण करते हैं राधा रमण, वास्तव में तो वो आत्मा राम है। उस आत्मा राम के जो चिंतन में सदा लगे हुए हों, वैसे ये आत्माराम मुनि जो होते हैं प्रायः ये ब्रह्म आनंद में आनंद लेते हैं। और सुखदेव कहते हैं मैं ब्रह्म आनंद में पहले ही परिनिष्ठ था, परंतु भगवान की लीलाओं ने मुझे आकर्षित किया और मैंने ये दूसरे अध्याय में दूसरे स्कंद में आएगा, मैंने ये 18,000 श्लोक अपने पिता से अध्ययन किए। तो ग्रायाम आस
ग्रहण कराया व्यास देव ने और सुखदेव ने ग्रहण किया, ये दोनों मतलब योग्य शिष्य था और कहा जाए कि प्रमाणिक गुरु था। तो उससे हुआ क्या, आत्मवताम वरम, तो उसको क्या दिया, सर्व वेद इतिहासानम। प्रभुपाद जी का तात्पर्य विशेष रूप से इतिहास शब्द के ऊपर है, जो आरंभ का प्रभुपाद जी का तात्पर्य है वो इतिहास शब्द के ऊपर है। वैसे इतिहास का अर्थ होता है बीते समय की कथाएं, और इतिहास उसी को वे कहते हैं समय जिसके ऊपर अटहास करके हंसी करके ये जो राजा थे अब कहाँ चले गए, इतिहास हास का मतलब हंसना, किसके ऊपर जो गुजर गए हैं अपने आप को राजा महाराजा समझते गए समझ रहे थे वो काल के गाल में चले गए। तो वास्तव में ये इतिहास हमारे अंदर वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए होता है कि जब इतने बड़े राजा महाराजा नहीं रहे तो हम कौन से बात की बोली है, हमारा क्या होगा इस दुनिया में, इतने बड़े विद्वान नहीं कह रहे कोई नहीं रहा। तो इतिहास वैसे हमारे सनातन वैदिक साहित्य में दो मुख्य रूप से इतिहास है, महाभारत और रामायण, इसको इतिहास कहते हैं। और पुराण में भी इतिहास है, पुराण और इतिहास में अंतर ये होता है इतिहास में मात्र बीते समय की कथाएं होती हैं और पुराण में उनकी शिक्षा उसके साथ होती है, कथा के साथ शिक्षा भी होती है कि इससे क्या शिक्षा मिलनी चाहिए। तो सारे इतिहास वेद इतिहासनम, जब वेद कहा तो उसके अंदर पुराण आदि सब आ गए, वो उनका सारम सार, उसका जो सार सार था समुद्रतम, इसका अर्थ ये है जैसे मिश्रनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जैसे दूध में उबाल के दही बना के और फिर उसको मंथन करके उसके ऊपर से मक्खन निकाल लिया जाए तो मक्खन दूध का सार है, ऐसे सारे वेद और इतिहास का सार है श्रीमद् भागवत, ये ऊपर का मक्खन है जो उसका सार है, क्रीम है, समुद्र तम मतलब ऊपर से ऊपर ऊपर का जो क्रीम था। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में जब प्रचार कर रहे थे तो बहुत से लोग ऐसे घर छोड़कर परिवार छोड़कर पढ़ाई छोड़कर और हिप्पी बन गए थे, लेकिन उनमें से जो सार सार थे जिनके हृदय में वास्तव में तत्व जिज्ञासा थी, भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा थी, उनको ऊपर ऊपर से इकट्ठा कर लिया था। तो लाखों थे लेकिन उसमें पागल नचाई बहुत थे, लेकिन उसमें सार सार जो थे ऊपर से निकाल लिए और उस सार सार से संसार के अंदर कृष्ण भावना का स्थापना किया। तो अब इस श्लोक का अनुवाद हम पढ़ रहे हैं, तो शब्द अर्थ को भी सुन लीजिए, ग्रहायाम आसा स्वीकार कराया, इसका मतलब पहले नहीं करना चाह रहे थे बाद में कराया, सोतम उनके पुत्र को, आत्मवताम स्वरूप सिद्ध को, ये स्वरूप सिद्ध वास्तव में वैष्णव का शब्द है, ये ज्ञानियों का शब्द नहीं है, स्वरूप सिद्ध उनका शब्द है ब्रह्म साक्षात्कार, स्वरूप सिद्ध का मतलब ये शब्द ओरिजिनल अंग्रेजी में प्रभुपाद ने लिखा है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार किया हुआ, ये स्वरूप सिद्ध बहुत भारी शब्द है, आत्म साक्षात्कार किया हुआ स्वरूप सिद्ध नहीं होता, स्वरूप सिद्ध गौड़ीय वैष्णव में है जिसने भगवान श्री कृष्ण की लीला में अपनी क्या सेवा है उस स्वरूप को जान लिया है, ये संपत्ति दशा है, ये संपत्ति दशा कहलाती है जब अपने स्वरूप का बोध होता है, तो ये बहुत ऊपर का स्तर है, श्रवण दशा वर्ण दशा सुमरण दशा उसके बाद आती है संपत्ति दशा, अपने स्वरूप का बोध होना। तो ये शब्द तो ठीक है इन्होंने स्वरूप लिखा है, ये आत्म साक्षात्कार किया हुआ, इसका मतलब ज्ञानी जो ब्रह्म आनंद में निष्ठ होते हैं वो स्तर को प्राप्त किया हुआ। वरम
अत्यंत आदरणीय सर्वा समस्त वेद वैदिक साहित्य ज्ञान ग्रंथ इतिहासानां समस्त इतिहासों का सारम सार निष्कर्ष सारम सार समुद्रतम निकाला हुआ अनुवाद श्री प्रभुपाद जी का। श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा जगत के इतिहासों का सार निकाल कर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय है। अब ये शब्द साफ समझ में आ रहे हैं ना, इसमें व्यास देव का नाला नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन व्यास देव ने ये कार्य किया। अब तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी का इतिहास शब्द के ऊपर है और प्रभुपाद जी लिखते हैं अल्पगय लोग कम जानने वाले लोग संसार के इतिहास तो बुद्ध के समय से अर्थात 600 पूर्व ईसा के मानते हैं। अब लोग कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा पुराना 2000 साल ईसा को होंगे, उससे 600 साल पहले 2600 साल पे बुद्ध आया था, उससे पहले कोई इतिहास था नहीं। लेकिन अब तो हम जानते हैं कि 5000 साल पुराना मोहनजोदड़ो का इतिहास पड़ा है हमारा। अब तो द्वारका के भी अवशेष मिले हैं समुद्र के अंदर, 5000 साल पुराना इतिहास तो पड़ा है सामने। अब तो पुरातत्व विभाग वाले 5000 साल तक के इतिहास को तो मान रहे हैं। तो इतिहास लोग कहते हैं 2500 साल से पहले जो है वो सब क्या है, दंत कथाएं हैं, वो सब ऐसे ही प्रचलित कहानियां हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेख सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। इसका मतलब हम जो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था और यहाँ कार्यागमन किया था, ये सब काल्पनिक कथाएं, इनके ऊपर उनको कोई विश्वास नहीं है। वो इतिहास वही मानते हैं जो लिखा हुआ 2600 साल से है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो इतिहास सिर्फ इस एक दुनिया का, और उस दुनिया में हमको भारत के इतिहास का पता है, हमको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के इतिहास का पता तो नहीं, जो उसमें विशेष पढ़ना चाहे उसी को आएगा। तो और ये तो एक ब्रह्मांड है और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो तो है इस एक भौतिक जगत में, उनमें भी बहुत सारी कथाएं हो रही है, इतिहास चल रहा है, उसका वर्णन भी महाभारत में है। भाई अर्जुन गया था ना स्वर्ग लोक में, अंदर के आसन आधे पे बैठा था ना, इंद्र ने अपना मुकुट दिया था, अर्जुन का एक नाम कीर्ति है जिसको इंद्र ने अपना मुकुट दिया, आधे आसन पे बैठा, नवाद कवचों के ऊपर युद्ध किया, स्वर्ग लोक में जाके युद्ध किया, महाराज दशरथ स्वर्ग लोक में गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए, तो स्वर्ग लोक का भी तो वर्णन है ना। अब ये लोगों को तो मालूम नहीं स्वर्ग का, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे पता नहीं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई पता थोड़ी, लेकिन ये तो लोग गए हैं, जीते जी वापस भी वहां से आए और जो देख के आए हैं उनका वर्णन है। अब वो चार कुमार जो सातवें दरवाजे वैकुंठ तक चले गए थे, दुर्वासा मुनि तो भगवान विष्णु से मिलने तक चला गया था, तो उन लोगों की कथा भागवत में पड़ी है। अगर कोई कहे कि वो दुर्वासा कितनी तेजी से गया होगा, किसमें चढ़ के गया होगा, वो तो उनकी योग सिद्धि है, आप उसको नहीं समझ सकते। ये प्रभुपाद कहते हैं ये इतिहास भी अपने आप में है, भाई दुर्वासा किसमें गए थे, वैकुंठ कैसे गए, वैकुंठ में भाई गए थे और बात करके आए भगवान नारायण से सीधी, बात किया जाती है कि अब मेरी समस्या का समाधान करो, तो ये कैसे गए होंगे वहां से। तो ये इतिहास हमारी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सोच ये है कि यहाँ जाना है, यहाँ से कृष्ण बल्लभ मंदिर तो भी साइकिल में जाना है, स्कूटर में जाना है, टमटम में जाना है, गाड़ी में जाना है, और तो हमें मालूम नहीं है कैसे जाना है।
लेकिन प्रभुपाद जी कहते यहाँ इस लोक में भी कुंभ मेले में बहुत से लोग हिमालय से गंगा के माध्यम से आके यहाँ प्रकट हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते योगी ऐसे आ जाते हैं यहाँ। अब आप में से कोई गंगा के अंदर से कभी गया है क्या कहीं? लेकिन आ रहे हैं यहाँ, अभी भी आ रहे हैं। एक महात्मा कह रहा है मैं गया था हिमालय में, अरे समझ गए एक महात्मा था, एक साधु के पास में गया, साधु को मैंने कहा कि आप लोग हल्के हो के हवा में उड़ते कैसे हो, बोला भी दिखाता हूँ। उसने ऐसे जैसे करके हवा के गुब्बारे की तरह हो गया, अंदर हवा भर दी और हवा भर के वो एकदम नीचे था छत तक, ऊपर छत तक चला गया और ऊपर चला के बाहर चला गया। मैंने आंखों से देखा और फिर करके हवा सारी निकाल के नीचे आके बैठ गया। अभी उनकी योग सिद्धियाँ थी, वो हल्का हो गया और मैं परेशान था। बाहर में बाहर निकला तो शेर बैठा था। मैंने कहा बाबा शेर, बाबा ने बाहर कहा चल बेटा, वो शेर चला गया। अब ये तो आंखों देखी बात है, वो महात्मा कर रहा है जो अभी की बात है, 50 साल 100 साल पुरानी बात है, ये तो अभी आज की बात है। तो ये भी हमने तो हिमालय में देखा नहीं ऐसे होता है। तो प्रभुपाद जी कहते ये बातें आज भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं घटना होती है, कोई ऊपर से के लोग से नीचे आ जाए तो बड़ा आश्चर्य। हमारे भक्त नए नए एक पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े थे, सुबह 4 बजे हुआ अमेरिका में। अब नहाना है, गमछा पहना है किसी को एक तरफ रखना, गमछे पहने हुए और कोपन पहने हुए ब्रह्मचारी नहा रहे थे, बस के दूसरी तरफ स्त्रियां साड़ी पहन के नहा रही। फोन किया पेट्रोल पंप वाले ने कि कोई दूसरे लोक से लोग आए, अमेरिका में तो ऐसे कोई नहाता नहीं है और बाहर रोड पे कोई नहाता नहीं है। थोड़ी देर के बाद 10-12 गाड़ियां चारों ओर से लाइट जलती है उनको घेर लिया और बंदूक के लिए कौन से लोग से आए। बोला यही अमेरिका के हैं। बोला ऐसा तो कोई नहीं यहाँ होता है। बोला हरे कृष्ण वाले हैं। बोला आप वापस वास्तव में वैकुंठ से आए हुए हो। ब्रह्मा जी के हमारे भक्त वैकुंठ से आए हुए हैं। वो जब बोले तब उनको बताया भाई हम तो यही के हैं और ऐसे नहा रहे थे। ऐसे कौन नहाता है यहाँ, ऐसे कोई नहाता नहीं, ऐसे नहाते नहीं है ऐसे कोई बाहर, जैसे हमारे यहाँ कोई भी कहीं लघु शंका करता है वहाँ ऐसे नहीं होता। वो एक महात्मा कह रहा था पाश्चात्य देशों से हमने खड़े खड़े नमू करना सीखा है और तो कुछ नहीं सीखा, जहाँ आए वहाँ खड़े हो जाओ। क्या सिंगापुर गए थे वैष्णव महाराज, बाहर उनको शंका लगी तो बाहर चले गए तो पुलिस नहीं। अब मैं अब तो नहीं रहे हमारे यहाँ देवकी नंदन प्रभु अमेरिका वाले जो हमारे अकाउंट करते थे, मैं उनके वो गाड़ी चला रहा था, नहीं वो उसको गाड़ी वो चला रहा था, उसकी पत्नी बैठी थी, मैं उसके साथ बैठा था, जा रहे थे, उसने गाड़ी साइड में रोकी और गया लघु शंका करने की। पत्नी का ये क्या कर रहे हैं, बोले क्या करो कहाँ जाऊँगा यहाँ जंगल में ऐसे, तो ये ऐसे होता नहीं है, वहाँ कोई सोचता नहीं है। किसी ने पूछा ये तो भारत में होता है, तो अमेरिका में किसी ने देखा बोला ये एम्बेसडर होगा भारत का, ये भी वहीं से आया होगा, यहाँ कोई नहीं ऐसे करता। तो बात ये कह रहे थे हर लोग का अपना अपना व्यवहार है। यहाँ तक मैं आश्चर्य मेरे को ये यहाँ से मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना, वहाँ भी कोई बाहर लघु शंका करता हुआ दिखेगा नहीं। नहीं आपको जाना होगा किसी पेट्रोल पंप में जाना है, स्थान है वहीं जाना और कहीं नहीं खड़े हो सकते, वहाँ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो पूरा देश खुला पड़ा है, बोला सबसे बड़ा जो है टॉयलेट है पूरा का। एक ने कहा इसने बहुत बड़ा जैसे हमारे परम प्रभु ने टॉयलेट बनाया को 5-10 लाख रुपए का टॉयलेट फिक्स कराया। एक आदमी बाहर खड़ा था बोला 10 लाख का, मेरे पास तो 5 करोड़ का टॉयलेट है। बोला कौन सा, बोला खुला मैदान है, 5 करोड़ से ज़्यादा कीमत है, मैं तो खुले मैदान में जाता हूँ, ये भाई जो सामने पड़ा है एक प्लाट कितने का, करोड़ों का, मैं तो मेरा काम। तो अन्य लोगों की वजह से हिरण्यकश्यप, अरे पहले तो प्रलय पड़ी थी, कहाँ जन्म हुआ उनका, तो कहीं और आदित्य और कश्यप कहीं और थे ना, तो किसी और लोक में उनका प्रकट हुआ था, यहाँ तो उस वक्त कुछ था ही नहीं, प्रलय थे। तो ये इन लोगों की कथा हमको यहाँ कैसे समझ में आए, हमारे समाज में आए कि नहीं।
तो प्रभुपाद यही बात लिख रहे हैं, कई ब्रह्मांडों की कथा है, लाखों अन्य लोगों के संबंध है, ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत के परे अन्य लोगों के इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद इन्हें ये ज्ञात नहीं है कि विभिन्न लोग अभी सभी प्रकार के एक समान नहीं है, अतएव अन्य लोगों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस लोक के तथ्यों से मेल नहीं खाते। जैसे शंकर जी कैलाश में पार्वती को गोद में बिठाकर उपदेश कर रहा था सनकादि ऋषियों को, कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो वहां गोद में अपनी पत्नी को बिठाना कोई अपराध नहीं है, कोई अभद्र व्यवहार नहीं है, लेकिन हमारे यहां उसको अभद्र माना जाता है। जैसे बहुत से ऐसी चीजें हैं जो अब यहां हम गाड़ी चलाते हैं, जिस तरह से बाहर के देशों में जाएंगे वो दूसरे तरफ से गाड़ी चलाते हैं, तो उनका अपना नियम है, ऐसे दूसरे लोगों का अलग नियम है, वहां कुछ नियम और है, तो कैसे उठते हैं, स्वर्ग में जो है अप्सराएं कैसे बैठती हैं उठती हैं, वो हमारे जैसा नहीं, तो इसलिए उन लोगों के विषय में हमारे से हम उससे तुलना नहीं कर सकते। विभिन्न लोगों के विभिन्न स्थितियां तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी न ही वे काल्पनिक लगेंगे। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो हर जगह का नियम अपने होते हैं। भाई आते हुए आप किसी चींटी के ऊपर पांव रखो, मर जाए तो कोई केस होगा क्या कोर्ट में? हाँ नहीं होगा ना। कुत्ता मर जाए तो भी कोई केस नहीं होगा, किसी का पालतू होगा तो झगड़ा करेगा। बकरी मर जाए तो पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन आदमी मरे तो उनको जेल में जाना पड़ेगा। तो कानून तो सबके लिए अलग अलग है ना, तो ऐसे सब लोगों का भी अपने अपने अलग नेम है। भाई और तो क्या, इस भारत में भी भाई पहले स्वयंवर का नेम था, लड़की अपना वर स्वयं चुनती थी, बहुत से लोग आते थे। अब वो प्रथा समाप्त हो गई। हम कैसे, सती की प्रथा इस लोक में चलती थी, पति चला गया तो पत्नी साथ अब अपने जाके चिता पे बैठती थी, लेकिन अब खत्म हो गया। तो इस लोक में था, अपहरण किसी को करके आया, गंधर्व विवाह कहा जाता था उसको, राक्षस विवाह है वो, उसको बुरा नहीं माना जाता था, क्षत्रियों में ये बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये तो इसी धरती के ऊपर ये सब 500 साल पहले हुए, ये तो यहाँ की कथा है। आज के लोगों को ये भी विश्वास, कम से कम 500 साल का इतिहास तो सबको मालूम है ना, ये तो अभी का है, जितना महाप्रभु का आया ये तो अभी का इतिहास, मुगल काल का इतिहास तो सबके सामने पड़ा है, तो वो भी अब तो हम नहीं समझ सकते कैसे। अर्जुन एक बाण चला था तो सामने जो है सब विध्वंस हो जाता था, अब आज एक बम गिराता है लोग मर जाते हैं, तो उनके पास उसके अंदर वो सारी योग्यताएं थी, उससे बहुत प्रभावित, पहले सूक्ष्म थे इससे ज्यादा, अभी ये तो स्थूल है सारा कुछ, पहले सूक्ष्म विज्ञान था, उसका पता नहीं है अभी तक लोगों को। भाई मन के कल्पना से निर्माण चलते थे, अब तो नहीं चलते हैं, वो इससे एडवांस, लेकिन ये इतिहास ये सत्य है, लेकिन इसको मानने के लिए इसी को हम कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान है वो हमारी मन की कल्पना से परे का है, जहाँ हमारे मन की सोच समाप्त होती है वहां से दिव्य ज्ञान शुरू होता है, और दिव्य ज्ञान वो परंपरागत शास्त्रों के प्रमाण से और साधु की जो है उदाहरण से और गुरु की शिक्षा से ही ग्रहण किया जा सकता है। ये ज्ञान नीचे से ऊपर जाने वाला नहीं है, ऊपर से नीचे आने वाला ज्ञान है। मैंने देखा नहीं है, मैं इसको कैसे मानूं, हम पूछते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त कोई प्राइम मिनिस्टर है उसको देखा है क्या? हाँ वह है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा? अमेरिका का है प्रेसिडेंट है कि नहीं है, देखा है कभी, मिले हो? कैसे विश्वास करते हो?
भाई कैसे देखा नहीं आपने, कैसे विश्वास करते हो? पत्रिका में आया, न्यूज़पेपर में आया, टेलीविजन के अंदर दिखा, यही ना। अरे न्यूज़पेपर की उम्र कितनी है बताओ, न्यूज़पेपर की उम्र कितनी है? 8 घंटे भाई, सुबह से शाम तक, दूसरे दिन में किसी काम का नहीं है। और न्यूज़पेपर पढ़ा वहां जाता है सबसे ज्यादा आराम से बैठकर टॉयलेट में, उसकी बात के ऊपर आपको विश्वास है? और ये व्यासदेव ने भागवत लिखा है जो मंदिर में पढ़ा जा रहा है, इसके ऊपर विश्वास नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण है? अब बताओ कि हम पागल हैं कि नहीं है? वो पत्रिका के ऊपर विश्वास करते हैं जिसकी कीमत 5 रुपया है, पढ़ी टॉयलेट में जाती है और दूसरे दिन टेबल साफ करने के काम भी नहीं आती है, उसकी बात के ऊपर विश्वास है और वो दूसरे दिन दूसरी बात लिखेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है क्या लिखा है? वो तो मानव ने लिखा है, मूर्ख ने लिखा है, और ये व्यासदेव ने लिखा है जी, इसके ऊपर विश्वास नहीं? बोला टेलीविजन में देखा था, लाइट चली जाएगी तो बंद हो जाएगी, ये जीता जी आदमी कह रहा है प्रभुपाद जी के ये भगवान है, उसकी बात नहीं मानते, टेलीविजन की बात मानते। बताओ कौन सा सत्य है, किसको मानना चाहिए किसको नहीं मानना चाहिए? शास्त्र का प्रमाण अच्छा है कि न्यूज़पेपर का? एक ट्रेन कहीं खड़ी थी आधा घंटा, जंक्शन थी, तो आदमी आमने सामने बैठे, जब 1 मिनट बचा तो एक बार में नीचे उतरा भागता हुआ एक न्यूज़पेपर लेने के लिए, लेके ऊपर चला, बोला आधा घंटा ट्रेन खड़ी थी तुम तो इतना देर से क्यों गई? बोला फटा हुआ नोट था, जल्दी ने दिया और न्यूज़पेपर लिया। उसने बोला जरा न्यूज़पेपर दिखाना, उस दिन 10 तारीख थी, वो 7 तारीख का न्यूज़पेपर था, तो उसने भी वो उठा के दे दिया जो पुराना पड़ा। तो एक पागल दूसरे को बनाएगा, दूसरा कोई पागल है क्या? तो आप बताइए 7 तारीख का न्यूज़पेपर किसी काम का है क्या? नहीं ना। अब उसके ऊपर इतना हमको विश्वास है, न्यूज़पेपर में लिखा है, भागवत से सुन के आ रहे हैं, इसके ऊपर विश्वास तो नहीं? इसके लिए कहते हैं भक्ति विश्वास से शुरू होती है, और विश्वास उसके ऊपर किया जाता है जो दिखा हुआ नहीं होता है, देखा नहीं है लेकिन प्रमाण से उसको सुना है, उसके ऊपर विश्वास होता है, श्रद्धा वहां से शुरू होती है। तो अब प्रभुपाद जी कहते हैं इतने इसके ऊपर कभी भी ये काल्पनिक नहीं होगी, हमें ये कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि किसी एक का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। एक का भोजन दूसरे का, दूसरे के लिए विष है, एक के लिए अमृत दूसरे के लिए विष, ये कहावत है। वंस फूड इज अनदर फूड, अंग्रेजी में इसको क्या लिखा है, फूड इज, हाँ, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, एक आदमी का खाना दूसरे के लिए विष है। कोई उदाहरण ऐसा? अरे भाई हलवे का थाल ए नौजवान ब्रह्मचारी के लिए तो अमृत है और शुगर के मरीज के लिए विष है कि नहीं? खाएगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? एक के लिए हलवा, एक भक्त प्रभुपाद का शिष्य जो रथ यात्रा का रथ बनाता था, क्या नाम, जयानंद, आपस में बैठे थे दो चार के जुकाम हो तो तुम क्या करते हो? एक ने कहा मैं काढ़ा पीता हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं गर्म पानी पीता हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ। जयानंद तुम क्या करते? बोला हलवा खाता हूँ 2 बड़े प्लेट भर के। बोला क्यों? बोला ये सब जो अंदर बीमार करने वाले जो जितने मतलब जरासीम है ना, उनको प्रसाद खाएंगे सुख हो चुकी हो जाएंगे, मेरी जान छोड़ दे कि उनको प्रसाद खिलाता हूँ जो मुझे रोग देने आए हैं, उनको प्रसाद मिलेगा तो मैं दवा के प्रसाद खाता हूँ ताकि वो मुझे छोड़ के चले। अब ऐसे भी भक्त थे, और उनके जो दूसरों के लिए विष था उसके लिए अमृत था, उसका सोच ऐसा था। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हम नहीं खा सकते लेकिन दूसरे लोग खा सकते हैं, जैसे हमारे लिए तो खीर अमृत है और हमारे लिए मांस विष से भी ज़्यादा भारी है, लेकिन कुछ लोग तो हैं
आप प्रसाद तो ऐसे करके नहीं खाएंगे, और मरी हुई मछली एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती उदाहरण दे रहे हैं ना कि फूलों वाली मालन किसी सहेली मछली वाले के घर में चली गई, मछली वाली किसी फूलों वाले के घर में चली गई, रात को बोला तुम्हारे फूलों से दुर्गंध आ रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, सड़ी हुई मछली मैं देखूंगी और उसकी सुगंध से ही मेरे को नींद आती है। बताओ बहुत से लोग ऐसे हैं। अरे शुद्ध घी में ऐसे मैं लोग जानता हूँ, शुद्ध घी में बनी हुई चीज देख के भाग जाएंगे, बोले हम नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, शुद्ध घी में तला हुआ पूरी नहीं खा सकते, और मरे हुए सूअर की चर्बी में पका के खा सकते हैं। ऐसे लोग हैं ना दुनिया में, आपके सामने हैं ऐसे लोग बहुत सारे। तो एक लोग एक व्यक्ति की पसंद की चीज दूसरे के लिए नापसंद होती है। जैसे किसी लोक में कोई ऐसा नियम है जो हमारे लोक में नहीं चलता है, हमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वहां ये कोई बुराई नहीं, वहां कोई इसको बुराई नहीं माना जाता। तो ये सोच का विचार का फर्क है, हर समय जगह का अपना नियम है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों के को काल्पनिक कहकर अपना उनका तिरस्कार न करें। व्यास जैसे महर्षि को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने में क्या मिलने वाला था? इतना बड़ा भगवान का अवतार काल्पनिक कथा लिखा के अपना समय व्यर्थ में गंवाएगा क्या? अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया। इसका मतलब भागवत में बहुत से लोगों की कथा है, एक लोग की कथा नहीं है। इन इतिहासों के की विशेषता ये है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंध है। अब यहाँ एक सिद्धांत है, प्रभुपाद जी कहते हैं पांडव कुरुक्षेत्र में लड़ाई की, हम क्यों टाइम खराब करें उसके बारे में बात सोच कर पढ़ोगे क्या मिलेगा हमको? तो कहते हैं क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित है। तो सिद्धांत क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे निर्बंध कृष्ण संबंधित, निर्बंध कृष्ण संबंधित सिद्धांत। हमारा किसी चीज से कोई संबंध नहीं, परंतु जिसका कृष्ण से संबंध है वो हमारे को प्रिय है। तो भागवत में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब कृष्ण से संबंधित है। ये पहले स्कंद में ही कहा गया है कि आपने जो प्रश्न पूछा है इससे कृष्ण कथा का उद्गम होगा, इसलिए हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि ये कृष्ण कथा सुनाने वाले। भाई परीक्षित के जन्म की कथा पढ़ोगे तो श्री कृष्ण का वात्सल्य दिखाई देगा, भक्त वत्सलता दिखाई देगा। पांडवों का वर्णन करोगे तो कृष्ण के उनके साथ जो सौहृद है वो दिखाई देगा। तो ये सब कथाएं भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, इसलिए ये हमारे लिए दिव्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है। अब आते हैं श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी के, जो सुखदेव गोस्वामी है वो आत्मवताम परम है, वो ब्रह्मनिष्ठ पहले से है। उन्हें अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया, इसका मतलब भागवत उन्होंने अपने पिता से ग्रहण की। श्री व्यासदेव परम विद्वान है, उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। असल में देखा जाए तो इतिहासों और पुराणों का आचार्य तो व्यासदेव का अपना शिष्य रोमहर्षण था, लेकिन बलराम जी ने भागवत की शिक्षा से पहले रोमहर्षण का तो उद्धार कर दिया। काय के लिए किया? भागवत संप्रदाय वो अब उग्र सरोवर से शुरू करना चाह रहे थे, भागवत की कथा अब उग्र सरोवर शुरू करेगा। तो बलराम जी तो आदि आचार्य हैं, वो सबको मिक्स करने वाला नहीं चाहिए उनको, उग्र सरोवर
भागवत का विशेष कथाकार, उनकी कृपा पात्र है। तो उगर सर्वा व्यासदेव की गेंद में गोद में खेला है, व्यासदेव उनके शिष्य रोमहर्षण का बेटा है, बलराम जी का कृपा पात्र है, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कथाकार, और सुखदेव का साक्षात शिष्य है। तो इसलिए कहा है तुमने बहुत गुरुओं से आशीर्वाद लिया है। तो ये चार तो सामने खड़े हैं, चार उनके गुरुओं का वर्णन तो सीधा पड़ा है। रोमहर्षण का तो एक व्यासदेव जी था, लेकिन उगर सर्वा का व्यासदेव, रोमहर्षण, बलदेव, बलराम जी और सुखदेव, ये चार हो गए ना। तो इसे लिखा है गुरु से आपने स्निग्ध शिष्य आपने शिक्षा ली है। तो इसलिए परंपरा ही बलराम अपनी शुरू करना चाह रहे थे भागवत की वास्तव में, नहीं तो रोमहर्षण को मारने का कोई। और उस वक्त तो वो ऋषियों कहते हैं हमने तो यमराज को बुलाया था कथा सुनने के लिए कि कोई मरे ना, लेकिन जो कथा सुनाने वाला वो ही मर गया। ये तो बड़ा आश्चर्य है। तो अब उसको सुखदेव को सिखाया। इसी इसकी तुलना नवनीत से की गई है। किसकी तुलना? भागवत की। नवनीत का मतलब मक्खन से की गई। वैदिक वाङ्मय मानु ज्ञान का क्षीर समुद्र है। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट सार होता है, उसी तरह ये श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों का के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रमाणिक विवरण मिलते हैं। अब कहते हैं भागवत सारे शास्त्रों का सार ऐसे है जैसे दूध का सार मक्खन है, और इसके अंदर भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है। भागवत पुराण का मतलब भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं से भरा हुआ पुराण, और इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या क्या चीजें हैं, भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुख सुस्वादु मतलब बहुत ही रुचिकर उपदेशात्मक हमारे को शिक्षा देने वाले तथा प्रमाणिक, प्रमाण का मतलब वेद का ये सार है इसलिए प्रमाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों, व्यवसायी वाचकों मतलब जो कथा कमाई के लिए करता है, व्यवसाय का मतलब व्यापारी, यदि नास्तिकों मतलब जो भगवान को नहीं मानता, ऐसे बहुत सारे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, ब्रह्म तक भी जानते हैं लेकिन भागवत कथा तो प्रचलित करते ही रहते हैं, नास्तिकों के द्वारा अथवा व्यवसायी वाचकों के से भागवत सुनी जाए तो जनमान के लिए भागवत का व्यापार करते हुए तो उससे कोई लाभ नहीं होता। बात ऐसी लिखी है प्रभुपाद ने आज से, ये तो यहाँ लिखी है 64-65 में लिखा है, 64 में ये लिखा है प्रभुपाद ने, यहाँ वृंदावन में बैठ के। इसका मतलब उस समय भी बहुत से लोग भागवत का व्यापार करते थे, इसका अर्थ ये प्रभुपाद ने, और उनके सुनने से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, ये दूसरी बात है। तो अब इसको आप देखिए एक नज़र से, कितनी कथाएं इस वक्त भारत में होती होंगी, लाखों लोग एक ही कथा में जाते हैं, परंतु एक के जीवन में कोई परिवर्तन आया दिखाई देता है? मैं छोटी बात कहें कि किसी एक ने अपने खान पान के व्यवहार को सात्विक किया, ऐसे मिलता है क्या? ये जो कथाकारों की कथाएं सुनने जो एक तो परंपराओं से बहुत कम है, तो आजकल तो सुन के कथा करने वाले हैं, सुने किसी और कथाकार के सुन के कथा करने का, शास्त्र का अध्ययन करके गुरु के चरणों के बैठ के कथा करने वाले नहीं है, और कथा को व्यवसाय बना रखा है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उनसे किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो। हमने तो ऐसे कथाकार देखे, विंडो में हमने देखा एक कथा कर रहा था, कृष्ण जन्म हुआ तो साड़ी अपने ऊपर चुनरी पहन ली, बोला मैं यशोदा बन गई हूँ, अब मैंने कृष्ण को जन्म दिया है, अब आप सोने का कंगन मुझे पहनाओ। मैं देखा है आंखों से, सोने का कंगन पहनाओ, मैं यशोदा हूं, मैं नहीं, मतलब फिर पगड़ी बांध के मैं नंद बाबा हो गया हूं, अब सोने का मेरे को माला हार पहनाओ, और कल रुक्मणी का विवाह है,
टीवी आनी चाहिए, फ्रिज आनी चाहिए, रुकमानी ऐसे नहीं जाएगी बिना सामान के। अब ये कोई भागवत कथा है कि सुखदेव ने ऐसे काम किया था? प्रभुपाद ने इतना सारा भागवत का प्रचार किया, कभी ऐसा दुकान चलाया क्या? ये तो सारे आम है भाई। अब ये उस समय तो छोटे स्तर पे होगा, अब तो इसका स्तर इतना बढ़ गया है क्या सोच नहीं सकते। लेकिन एक के जीवन में परिवर्तन नहीं, अब छोटा परिवर्तन चाहे छोड़ने की हिम्मत नहीं है किसी में, और उसी कथा में चाहे चलती है आधे में, आधी कथा में चाय का टाइम होता है, उसका नाम है टी टाइम, हाई टी है कि नहीं? तो पता हो कि जिस कथा में एक व्यसन नहीं छोड़ सकते उसका लाभ क्या होता? आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया उससे? इसने बड़ी अच्छी कथा कही, इसकी कथा में, इसको राजसिक कथा कहा गया है। कथा के तीन स्तरों में ये राजसिक कथा है, दिखावे के लिए कराई जाए। और अगर ये कथा कम से कम एक स्कंद से दूसरे स्कंद तक न जाए, बीच में कूदता जाए, तो उसको तामसिक कथा कहते हैं। और इनमें से कोई दूसरे स्कंद और नवे स्कंद को हाथ ही नहीं लगाता है। आज तक मैंने नहीं सुना है किसी ने दूसरे स्कंद का एक भी प्रसंग लिया हो। कथाकार लेते हैं दूसरे स्कंद को? हाँ, नाम ही नहीं लेते भाई। और नवे स्कंद को नमस्कार। कथा कुछ भी नहीं है, गाना है, बजाना है, कृष्ण विवाह करना है, रुक्मणी का, कृष्ण का जन्म करना है, रुक्मणी का विवाह करना है, सुधामा के नाम पे चावल कटे करने, कथा पूरी। और कथा कथा कुछ भी नहीं। ये कथा पूरी हुई। अब देखें गौरकिशोर महाराज ने कथा किए 40 घंटे मायापुर में, एक एक अध्याय को हाथ लगाया, पूरे 335 अध्यायों को हाथ लगाया, उनका अभी रिकॉर्ड पड़ा है। महाराज तो चले गए, उनकी कथा कभी सुन के देखिए। और महाराज लोकनाथ कहते मैं उनको सुनता हूँ, लोकनाथ स्वामी महाराज कहते मैं वो गौरकृष्ण महाराज की कथा को सुनता हूँ कि उन्होंने कितने विस्तार से एक एक अध्याय को कम से कम हाथ तो लगाया है, कुछ तो उसमें से जो प्रमाण है वो दिया है। हम कभी कभी डरते हैं ये कथा कैसे बताऊं। अरे चंद्रमा ने कि बेटे बुद्ध ने वो अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी से, किसने बुद्ध को उत्पन्न किया उसकी पत्नी से चंद्रमा ने, ये कथा लोगों को कैसे समझाए? भाई उधर उधर का नेम दूसरा है, तुम्हें क्या चिंता है उसकी? तुम जो है वो बता दो ना ईमानदारी से। नहीं बता दो, कभी कभी सुना है ये कथा क्या? कथाकार ये कथा करेंगे नहीं, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं पाते कि ये क्यों लिखा हुआ है। और जब सूर्य वंश कैसे शुरू हुआ, वो चंद्र वंश कहाँ से शुरू हुआ? अत्रि के बेटे चंद्र से, और चंद्र का बेटा बुद्ध, और बुद्ध कहाँ से कैसे पैदा हुआ? अब उसको सुनू, बुद्ध की कथा को सुनूंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। और यही प्रभुपाद लिखे कि ये बातें करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे लोग इसके ऊपर। और बुद्ध ने फिर उसके साथ विवाह किया जो सदमनियु लड़का था, और इलाहाबाद वंश में गया और लड़की बन गया। और जब वो लड़की था तब उससे विवाह किया, उससे पुनर्वा पैदा हो गया। अब बताओ, और उस लड़की जो हो गया, वशिष्ठ ने प्रार्थना की शंकर को, एक महीना लड़का एक महीना लड़की रहती थी। बताओ ये लिखा है भागवत में? कोई कथा सुनाई कभी? सुनी है कथा? किसी कथा का नहीं सुनाई? उसको डर लगता है, पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे तेरे बाप की कथा थोड़ी है, लिखा है वो जो है वो बोल दो ना भाई। व्यासदेव को लोग कहेंगे, तुम्हें क्यों कहेंगे? जो सीधे सो सच्ची बात है उसको बोल दो ना। तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने उसको माना ही नहीं। ये अधकुकटी नेवा है, गर्दन नहीं चाहिए, वो दाना खाती है, सिर्फ पीछे का सोने का अंडा चाहिए। ये न्याय ऐसा हो गया ना, आदि मुर्गी वाला न्याय। मुर्गी सोने का अंडा देती लेकिन दाना रोज खाना पड़ता था। बोला नहीं, गला काट दो, दाना नहीं खाएगी, अंडा खा ले, फिर अंडा भी तो नहीं मिलेगा। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं। अब बहुत भारी बात लिखते हैं प्रभुपाद जी, कोई लाभ नहीं होता। श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि उन्हें भागवत का व्यापार नहीं करना था। कैसे थे सुखदेव? परीक्षक कहते नमृत त्रिशय उपगीय मानाय भव औषधि श्रोत मनोविराम। वो कैसे थे? नमृत त्रिशय, कोई संसार की तृष्णा नहीं थी। अरे कपड़े नहीं पहने थे,
क्या मांगेंगे आपसे? जो जिसको वस्त्र ही नहीं पहने हुए हैं वो तो दिगंबर वेश में आए थे जी, वो जेब नहीं कोई कुछ है नहीं तो लेके क्या, वो तो देने वाले थे, लेने वाले नहीं। और सुखदेव जो कथा सुनाने न जा रहे थे तो इंद्र अमृत का कलश लेके आया और कहा कि ये आप सुखदेव परीक्षित को पिला देना, मरेगा नहीं, अब भागवत हमको सुना दो। सुखदेव ने कहा उठाओ कलश तुम्हारा, तुम भागवत की मूल कीमत, तुम्हारे स्वर्ग के अमृत को भागवत की कीमत मांग रहा है, तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो, तुम मोल लगा रहे हो भागवत का, तुम्हारा स्वर्ग का अमृत भागवत के बराबर तुम कर रहे हो, तुम लायक नहीं हो, जाओ। और वो अमृत उठा के चला गया, नहीं दिया इंद्र को भागवत। इसका मतलब हम जाते हैं ना कभी कथा भागवत करने तो लोग पहले महाराज आपकी क्या सेवा हो, पहले ही पूछते हैं आप क्या लेंगे, हमने बोला कुछ भी नहीं लेंगे, रोटी अपने मंदिर की खाएंगे, अगर वहां मंदिर है तो रहेंगे मंदिर में। प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका गए थे क्या, वहां से उस वक्त में निक्सन ने टिकट भेजा था क्या, भागवत अपना लेके गए थे ना यहाँ से, और भागवत का कथा अपने आप किया ना जाकर। तो हम कहते भाई कुछ भी नहीं, हमें क्या लेना, हम तो प्रचारक है धर्म के, हम चाहते हैं कि आप माला रखे लेके रखना, जो आएंगे उनसे एक माला रोज जपा देंगे और उनको कहो कि भागवत का सेट लेने, हमें कुछ नहीं। महाराज फिर भी एक रुपया रख देना बहुत है, हमें क्या है, हमारे मन में कोई मन में है तो नहीं है, पूछ के बोले नहीं महाराज उसको पूछा था इतना कह रहा था। तो प्रचारक है भाई, हमारा क्या काम, तो धर्म प्रचार करते हैं, भागवत का विस्तार से प्रचार करना है, लोगों के हृदय में कृष्ण भावना का जागृत कराना, ये हमारा उद्देश्य है, इससे अलग इससे अधिक उद्देश्य कोई हमारा नहीं है। तो ये एक लोगों ने इसका ऐसा प्रक्रिया चला रखी है कि बहुत से यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भागवत कथा करने का दिमाग में कथाएं सुनते हैं, कथा करने जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक मानसिकता ऐसी बनी हुई है, जबकि प्रभुपाद का ये उद्देश्य नहीं था। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के लिए उन्हें इस व्यवहार से परिवार का भरण पोषण कर नहीं करना था, सुखदेव का परिवार था ही नहीं तो काय के लिए कथा करके कुछ कथा करेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध समुच्च श्रेष्ठ एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प उसका स्पर्श कर देता है तो वो पोषक नहीं रह जाता, उल्टे वो मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग कट्टर वैष्णव परंपरा में नहीं आते उन्हें न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और न अनेका अनेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि समस्त देवों का उद्देश्य उन्हें कृष्ण के को जानता है और श्रीमद् भागवत से संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है, अतः ये समस्त वेदों का नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं, वस्तुतः ये समस्त इतिहासों का सार है। अब प्रभुपाद जी अंतिम भाग में लिखते हैं कि जैसे भगवद गीता में कहा गया है वेदेश सर्वे अहमेव वेद, सारे वेदों में श्री कृष्ण कहते हैं मुझे जानना चाहिए, तो भागवत तो इसलिए वेदों का सार है क्योंकि इसमें कृष्ण की कथा है, इसलिए ये वेदों का सार है भगवद गीता के आधार के ऊपर, और जो वैष्णव परंपरा में है उन्हीं से भागवत कथा को सुनना चाहिए। ये दूसरा हमको यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, यहाँ आज का तात्पर्य पूर्णावती में पहुँचता है हरे कृष्ण। और किसी का कोई बताया था
आप सुन के बता दो मुझे क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से सब का ऋण को सुनाया है कि मैं अपना विराट रूप दिखाता हूँ। या आपने बताया कि विराट रूप जो है धर्म भी बताया गया है वो व्यासदेव विराट रूप विराट रूप भगवान बताया गया है। हाँ भाई वो तो बताया आप जो लास्ट क्लास उसी के ऊपर था कि जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर आत्मा है ऐसे भगवान जो विष्णु है गर्भोदक्षाई विष्णु या क्षीरोदक्षाई विष्णु उसका सूक्ष्म शरीर है महत्त्व जिससे सृष्टि करता है और उसका विराट शरीर है विश्व रूप और ये भौतिक है और ये आध्यात्मिक जगत में होता नहीं है और ये सबके हृदय में भी परमात्मा की तरह नहीं होता है। ये गत क्लास इसी के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा क्लास हुआ था। इसके आगे वाला जो विभाग है विराट रूप भौतिक है उसका आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है और उसके लिए प्रमाण क्या दिया था ये शरीर का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर उसके अंदर आत्मा ऐसे विराट स्वरूप स्थूल है और महत्त्व तो सूक्ष्म है जिससे ये सृष्टि होती है और उसको सृष्टि करने वाला गर्भोदक्षाय विष्णु इसकी आत्मा है। हरे कृष्ण जी ने जो लिखी है वास्तव में कि भागवत का व्यवसाय नहीं होना चाहिए सिद्धांत ये और भागवत का कथाकार सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों में चलते हुए व्रत होना चाहिए। संन्यास का मतलब भौतिक सारे बंधनों से और दायित्वों से जो मुक्त हो परंतु इसके बाद वाला भी टुकड़ा इसके साथ जोड़ के पढ़ना आवश्यक है। बहुत सारे मायावादी सन्यासी हैं वो सन्यासी तो है रामाकांत जी इसके पीछे का टुकड़ा इसके साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए। इसका पीछे के टुकड़े में ये लिखा है अगर वो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय से नहीं है तो उससे नहीं सुनना चाहिए भले सन्यासी क्यों ना हो। तो पहले तो ये है कि सारे सन्यासी मायावादी कर रहे हैं कथा वो तो प्रमाणिक नहीं है ना। इसका मतलब पीछे वाले हिस्से को भी साथ में देखना चाहिए कि जो वास्तविक वैष्णव परंपरा के अंतर्गत ये भागवत वास्तव में अगर इसको देखा जाए तो भागवत का लक्ष्मी देवी एक संप्रदाय है वो तो पत्नी है विष्णु की दूसरा शंकर जी है उसकी पत्नी पार्वती है ब्रह्मा जी की अपनी पत्नी है जो भागवत का भाई भागवत ये चार संप्रदाय वैष्णव जो आती है भागवत की इन चारों के अंदर और चौथी किसकी है कुमार है चौथी कुमार है ना वो व्रक्त है भाई चार जो भागवत संप्रदाय है उसमें एक व्रक्त है कुमार और तीन तो पक्के ग्रस्त हैं कि नहीं। और जो भागवत का आज अब मैं आपको ऐसे सामान्य बात कर रहा हूँ वल्लभ संप्रदाय जो विष्णु संप्रदाय के अंतर्गत जो वल्लभ आचार्य की संप्रदाय इसके सारे गोस्वामी हैं लेकिन सारे ग्रस्त हैं ये एक ही है जो ग्रस्त वैष्णव संप्रदाय और ये भागवत के प्रमाणिक वक्ता माने जाते हैं जो है इस प्रभुपाद जी ने उनके लिए भी शास्त्र में लिखा है वल्लभ आचार्य के अनुयायी जो जितने भी यहाँ हैं ये सारे ग्रस्त होते हैं
इसलिए कुंभ मेले में बाकी सबको हाथी के ऊपर चढ़ना है, ये पैदल चलना है छाटा के नीचे, इनको ये ग्रस्त हैं, इनको ऊपर चढ़ने का अधिकार नहीं दिया हुआ है, लेकिन है ये सारे ग्रस्त और ये सारे भागवत वक्ता है। और ये भागवत तो जितनी जगहों पे किए वल्लभ आचार्य ने, वो सब उनके पीठ है भागवत के। तो प्रभुपाद जी का इसमें सारांश ये है कि प्रभुपाद ने अपने सारे शिष्यों को भागवत का प्रचार करने के लिए कहा, तो निश्चित रूप से सन्यासी के प्रचार का प्रभाव सामने वाले सुनने के जीवन में परिवर्तन लाएगा, अगर वो वैष्णव सन्यासी होगा तो। और अगर कोई ग्रस्त ये आगे चल के अपने घर परिवार को चलाने के लिए अगर भागवत कथा इस मानसिकता से कर रहा है, तो फिर वो भागवत कथा सुनने वाले के जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा। ये सीधी सी बात, सामने वाले के जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा, क्योंकि वक्ता धनार्थी है, उसको धन चाहिए, और श्रोता कृष्णार्थी है, श्रोता, तो कभी भी तालमेल होगा नहीं। व्यास देव ग्रस्त है और वो दे रहा है सुखदेव व्रत को भागवत, बताओ अब क्या करोगे भाई? व्यासदेव की भागवत तो व्यासदेव की है ना, वो तो ग्रस्त है कि नहीं है, बाप है ना सुखदेव का, पिता है अपने बेटे को दी, वो तो ग्रस्त है। इस्कान के अंदर वास्तव में जब इस्कान के अपने, जैसे हम यहाँ कथा कर रहे हैं अपने मंदिरों में, तो उसमें तो ग्रस्त और व्रत दोनों करते हैं, तो ये भागवत कथा नहीं है। इसको कहते हैं, चार प्रकार की कथाएं होती है, तामसिक, राजसिक, सात्विक और गुणातीत। ये जो नित्य भागवत सेवा है ये गुणातीत है, इसको कथा करने वाला कोई भी है, क्योंकि कथा ये गुणातीत है, इसमें किसको इसी में कोई जो है व्यवहार और व्यापार है ही नहीं, ये तो अलग चीज है। कथाओं का प्रचलन, अब जैसे परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कथाएं जिस तरीके से करते हैं, और भागवत कथाएं उनकी इस्कान के अंदर सभी मंदिरों में कराई जाती है, इस्कान के प्रमाणिक मंदिर सुनते हैं, वो सन्यासी गोरकिशोर महाराज कर रहे सन्यासी बहुत बड़ा। और फिर ग्रस्त कथा अगर आजीविका के लिए करता है तो उसका लाभ सुनने वाले को अधिक नहीं होगा, और उनका भार वो अपने ऊपर उठाएगा, उसकी भक्ति भी ढीली पड़ जाएगी कोई। और परंतु ऐसे भी प्रभुपाद के तात्पर्य मिलते हैं कि हमारे ग्रस्त भी सन्यासी हैं, क्योंकि उनका कोई भौतिक भोग के लिए वासना नहीं है, ऐसा भी प्रभुपाद के तात्पर्य मिलेंगे। और इसमें आगे यही लिखा है कि वैष्णव प्रमाणिक परंपरा में है तो उससे कथा सुननी चाहिए, नीचे वाली लाइन में ये भी आता है, परंतु फिर भी निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा भारी स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का है। उस वक्त इस्कान की स्थापना हुई भी नहीं थी, और इस्कान के उस वक्त में कोई एक भी सन्यासी इस्कान का नहीं था, प्रभुपाद जी अकेले थे जब ये लिखा है तब। उसके बाद परिस्थितियों के अनुरूप प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के अंदर अपने सारे ग्रस्त और वृद्ध दोनों शिशु को प्रचार के लिए कहा, और भागवत का प्रचार हुआ है। इसका मतलब मेरी मानसिकता लेने की नहीं है, ये रजिस्टर की जाएगी। अब कोई देके जाता है उसको कैसे मैं लाऊंगा काम में, ये मेरे ऊपर है, इसका भार मेरे को उठाना पड़ेगा। हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, हम कथा कर दिया कहीं कर दिया, किसी से पूछा भी नहीं कभी, जब काम होता है कहाँ से होता है कैसे होता है भगवान जानता है, हमें मालूम नहीं होता। मैं
मेरे घर से उसको हार्ट का थोड़ा तकलीफ हो रहा था, तो मैं उसके एंजियोग्राफी करने के लिए जयपुर जाने जाना मेरा जानने वाला था, ट्रेन निकल गई, मैं पंजाबी बैग जाके रहा। तो भक्त ने कहा यहाँ ये जो अगरसेन हॉस्पिटल है इसमें तो अपना भक्त है, उसका भाई ट्रस्टी दूसरा तब तक आया कि बोला वो जो डॉक्टर करता है ना उसको सारा स्टंट मैं सप्लाई करता हूँ, वो भक्त है मेरा, बोला कल उससे अपॉइंटमेंट लेता है। उधर चले गए और उसने कहा कि अभी देखते हैं, खोला बोला ये ब्लॉक पड़ा है इसमें स्टंट डालना है, 2.5 लाख रुपये का खर्चा है, जो भी है साइन कर दिया। तो ट्रस्टी ने कहा कि इससे कुछ नहीं लेने का है, बोला क्यों इंश्योरेंस से, बोला हाँ कृष्णा इंश्योरेंस से, बोला कृष्णा इंश्योरेंस। और तब उसने कहा स्टंट जो है इसको मैं देता हूँ मेरी तरफ से, उसने कहा जो वक्त था। तो डॉक्टर ने कहा फिर क्यों मैं काहे के ले लूँ, अकेला मैं ही जो है लेने वाला बोलूँ, मैं भी नहीं जाए। और ऑपरेशन करके हम बाहर आए, 100 रुपया व्हील चेयर वाले को मैंने दिया, 1 पैसा भी नहीं दिया, बताओ। अब ये को मैंने मांगा तो नहीं उनसे ना, वो मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन पूरा ऑपरेशन करके बाहर आया, 1 रुपया भी खर्च नहीं। अब मैं मतलब है कि ये कथा से तो मैंने नहीं मांगा ना भैया, मैं अस्पताल में गया था, मैं अपनी ऑपरेशन करने के लिए एम्स में दाखिल हुआ। वो डॉक्टर एक ने देखा कि बोला मैं आपके ऑपरेशन नहीं करूँगा, मैं दूसरे डॉक्टर से करवाऊँगा, आप रुकिए। तो मैं वहाँ क्या करा, रोज़ कथा करता था एम्स में, रोज़ कथा करता था लंच आवर में। जब ऑपरेशन होने का समय आया तो वो जो कथा वाले थे वो सारा सामान लेकर आए कथा से। जब मैं ऑपरेशन करा के बाहर आया तो मेरे पास 30,000 रुपये पड़े थे, मेरे को 30,000 रुपये दिया उन्होंने, ऑपरेशन भी किया पैसा भी दिया। ऐसा कभी सुना है क्या? कुछ नहीं किया हमने, पूछा भी किसी, नहीं मांगा भी नहीं, अपने आप देके गए भाई, सामान लाया, क्या चाहिए दवाई लाया, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं करना पड़ा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, तो उनका यही कहना है आप कभी भी कथा को जैसे व्यापार के ढंग से पैसा कमाने की इच्छा से मत करो, परंतु यदि तुम गृहस्थ हो और तुमको भिन्न मांगे वो लोग देते हैं उसको सहर्ष भगवान श्री कृष्ण के उपहार रूप में ग्रहण करो। प्रभुपाद जी तो प्रवचन करने के बाद एनवेलप सबके पास के लग, सबको लज्जा आएगी इधर नहीं आएगा, देवी शक्ति कहती है लिफाफा देते दे, तुम्हें डालना है सब इसमें डालो, क्योंकि जब तक नहीं देंगे साधु को तो उनको फल नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ऐसे देवी शक्ति ने मुझे कहा कि ऐसे प्रभुपाद के प्रोग्राम में हमारे को करने के लिए कहते थे, इसका मतलब उनका लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगे। वास्तव में ये जो कुछ लिखा है लिखा उनके लिए है जो न परंपरा में है, जो मात्र भवन बना के और एक अयाशी की जिंदगी बिता रहे हैं कथा के माध्यम से उनके लिए है। जो चटाई पे सोने वाले साधु हैं कथा से उनको क्या फर्क पड़ता है, जो आया इतना सारा प्रभुपाद के बाद आया, ये तो भागवत प्रचार जी तो आया, तो इतने बड़े हमारे लिए सब कुछ भवन बने हुए तो उनकी कृपा से। तो मेरे ख्याल में इसको लिटररी नहीं लेना चाहिए, जैसे लिखा है उसको शब्दों में नहीं फंसना चाहिए, उसको भाव को देखना चाहिए। सम्यक न्यास, जिसने पूर्ण रूप से अपने भोग को त्याग किया है और भागवत को, सनातन गोस्वामी के कि हमारा मित्र है, हमारा ये सर्वस्व है, मैं इसी का शरण लेता हूँ, ऐसा जिसका भाव है और वो कथा करने जाता है, कहीं उसके पास आता है तो सदुपयोग में ला सकता है, कहीं इसमें कोई आपत्ति नहीं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सीताई।